फ्यूचर कन्वर्सेशंस में मैं आपको बताऊंगी जंगल बैबलर्स के बारे में, जो कि किसी एंग्री बर्ड से ज़रा भी कम नहीं है। एंग्री बर्ड्स कैसे, वो आप खुद ही देख लीजिए। इनकी ये क्रांतिकारी आवाज़ किसी की भी नींद उड़ा सकती है, और इनकी कातिल निगाहें एंग्री बर्ड्स की याद दिला देती हैं। जैसे हमारे इंडिया में आज मेरे यार की शादी है गाने से पता चल जाता है कि बारात आने वाली है, वैसे ही इनके काएं काएं से पता चल जाता है कि एंग्री बर्ड्स के 10 लोगों की बारात आने वाली है। इन जंगल बैबलर्स को हम सात भाई के नाम से भी जानते हैं, और हम इनको सात भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर सात या दस के ग्रुप में चलते हैं और जहाँ पहुँच जाएं वहाँ अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। अभी कुछ दिनों से ये इनका कब्ज़ा मेरे घर पे है, और हो भी क्यों ना, खाना पीना ग्रीनरी पीसफुल एनवायरनमेंट जो मिलता है इन्हें। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो यहाँ पे ओलंपिक्स की तैयारी में भी लगे हुए हैं, आप खुद ही देख लीजिए। देखा है कहीं ऐसा बैलेंस? जैसे इनकी आंखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वैसे ही इनका पलक झपकाना भी बिना पलक झपकाए देखने लायक है, आप खुद ही देखिए। ये जंगल बैबलर बर्ड्स मोस्टली इंडिया में ही पाए जाते हैं। खाने में तो इनको इंसेक्ट्स ज़्यादा पसंद हैं, पर ये ग्रेन्स नेक्टर एंड बेरीज को भी ना नहीं कहते हैं। इन जंगल बैबलर्स की एज भी अच्छी खासी होती है, और ये 14-15 साल तक जी सकते हैं। फिलहाल तो ये मेरे घर में धरना दे के बैठे हुए हैं, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। अगर इन बर्ड्स को आपने अपने घर के आसपास भी देखा है तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये इंडिया के और कौन से लोकेशंस में आ रहे हैं। अगर आप भी नेचर क्राफ्ट्स एंड किड्स वीडियोस के शौकीन हैं तो लिटिल कन्वर्सेशंस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी क्रिएटिव। बाय बाय।